नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कौशिक शीतल छाया डायग्नोस्टिक्स से। दोस्तों, आज हम फिर आपके पास आ गए हैं और आज का जो हमने एक्सरे रीडिंग का प्लान किया है वो है HSG का। HSG होता है हिस्टोसल्पेंजियोग्राफी। HSG जो टेस्ट होता है, ये देखिए आप सामने एक एक्सरे है HSG का। HSG में क्या होता है कि मल्टीपल एक्सरे लिए जाते हैं और ये जो टेस्ट होता है ये बेसिकली फिलोपियन ट्यूब्स को चेक करने के लिए होता है कि भाई फिलोपियन ट्यूब हमारी खुली हुई है, कोई ब्लॉक तो नहीं है। और दूसरा यूट्रस को देखने के लिए होता है कि यूट्रस का साइज कैसा है, पोजीशन कैसी है, और अगर फिलोपियन ट्यूब खुली है तो वो स्प्लेन पिल जो डाई डाली है वो हो रही है नहीं हो रही है। तो इसको फ्लोरोस्कोपी बोलते हैं, एक्सरे फ्लोरोस्कोपी। तो आज हम इसके बारे में ही जानेंगे। ये एक नॉर्मल एक्सरे है HSG का, हिस्टोसल्पेंजियोग्राफी का। और इस एक्सरे में अगर आप देखेंगे तो ये यूट्रस में यहाँ से डाई डाली गई है और ये यूट्रस में डाई जाके और साथ में ये फिलोपियन ट्यूब से अंदर जा रही है। ये एक नॉर्मल एक्सरे है। इस एक्सरे में देखें, आप यहाँ से देखें, ये यहाँ से ये डाई जा रही है, ये हमारा यूट्रस हो गया। अब यहाँ पे जब ये यूट्रस में डाई जाती है तो रेडियोलॉजिस्ट इसको देख सकते हैं कि ये जो यूट्रस का साइज कैसा है, पोजीशन कैसी है, कि पोजीशन ठीक है या नहीं है, इंट्रोवर्टेड तो नहीं है, रेट्रोवर्टेड तो नहीं है, और साइज छोटा तो नहीं है। तो इसके बाद ये देखो, यूट्रस से ये फिलोपियन ट्यूब है, ये पतली सी आप देख रहे हैं ना, ये कौन सी है, राइट फिलोपियन ट्यूब है, लेफ्ट लेफ्ट फिलोपियन ट्यूब है ये। और ये वहां पे कौन सी है, ये राइट फिलोपियन ट्यूब है। अब देखो, ये यहाँ से आप देख रहे हो ना, ये यहाँ से स्पिल हो रहा है बिल्कुल पतला। ध्यान से देखेंगे तब आपको दिखेगा, ये देख रहे हो ना, ये स्पिल हो रहा है, ये फिलोपियन ट्यूब में जा रहा है सारा। तो ये फिलोपियन ट्यूब के रास्ते जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये फिलोपियन ट्यूब राइट वाली बिल्कुल ओपन है और यूट्रस से ये राइट साइड पे जा रही है फिलोपियन ट्यूब, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल नॉर्मल HSG की रिपोर्टिंग है, बिल्कुल फिलोपियन ट्यूब फुल हो रखी है। और अभी हम इसका जो फाइनल व्यू देखेंगे, अब देखो, अब दूसरा एक्सरे हम चेंज कर रहे हैं इसमें, ये एक्सरे चेंज, हाँ ये दूसरा एक्सरे चेंज हो गया यहाँ पे। अब क्योंकि इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें मल्टीपल एक्सरेज होते हैं, तो पहला एक्सरे देखा था हमने जिसमें ये दिखा रहे थे, अब देखो ये फाइनल एक्सरे था। फाइनल एक्सरे में ये देखो, ये जाके ये यहाँ से सारे जो है फिलोपियन ट्यूब से जा रही है और आगे जाके ये स्पिल हो गई है, मतलब कि फैल गई है, जो भी पेल्विक कैविटी में फैल गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्यूब है, फिलोपियन ट्यूब है, वो पूरी खुली हुई है। हाँ, पूरी खुली हुई है, तो मतलब कि इसको फिलोपियन ट्यूब का कोई ब्लॉक नहीं है। देखो, ये लेफ्ट साइड में पूरा फिलोपियन ट्यूब में जाके और यहाँ पे स्पिल हो गया है पेल्विक एरिया में ये। और ये राइट साइड में भी देखेंगे, राइट साइड में भी यहाँ पे जाके पूरा फिलोपियन ट्यूब पार करके वो स्पिल हो गया है अपना पेल्विक कैविटी में। ये जो HSG टेस्ट होता है ये माइल्ड पेनफुल होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो है डाई इंसर्ट की जाती है, और कई बार तो ऐसा भी होता है कि अगर माइनर कोई ब्लॉक हो तो वो डाई के प्रेशर से खुल भी जाता है। और इट इज द फर्स्ट लाइन डायग्नोस्टिक प्रोसीजर इनफर्टिलिटी के लिए, और सारी गायनेकोलॉजिस्ट इनफर्टिलिटी में HSG को प्रिफर करती हैं इनिशियल स्टेज में। कई बार सब कुछ ठीक ठाक होता है, खाली ब्लॉकेज की वजह से ही कंसीविंग में प्रॉब्लम होती है। तो ये एक बहुत ही भरोसेमंद डायग्नोस्टिक प्रोसीजर है HSG का इनफर्टिलिटी के लिए। अगर आपको इसके बारे में कोई और जानकारी चाहिए हो तो आप हमारे को लिख सकते हैं, हम अपने रेडियोलॉजिस्ट से कंफर्म करके रिपोर्टिंग के बारे में आपको बिल्कुल उसका रिप्लाई देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल शीतल छाया, जो कि एक मेडिकल अवेयरनेस चैनल है जो हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे वीडियो बनाते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम आपको रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें सो दैट आपके पास इतने इंफॉर्मेटिव वीडियो समय से आ जाएं। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो प्लीज़ को शेयर करें। थैंक यू।